आज हम समीक्षा करेंगे पॉल जॉन की एक नई व्हिस्की का जिसका नाम है रोलेटे। रो शायद टी टी साइलेंट होगा, रोले रो लेते हैं। नहीं हो पा रहा है, हमें लेनी पड़ेगी सहायता गूगल वाली बड़ी बड़ी होटो वाली दीदी का। जरा उनसे सुनते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। ट्रूलेट ट्रूलेट ट्रूलेट। अरे ये तो आसान है, रूलेट। रूलेट वैसे तो एक फ्रेंच कैसीनो गेम का नाम होता, परंतु इसके निर्माता ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जिस तरीके से गैम्बलिंग करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, डेयर चाहिए होता है, उसी तरीके से आपको इसका टेस्ट पसंद करने के लिए, इसको पीने के लिए भी डेयरिंग चाहिए। क्या ये डेयरिंग हमारे पास है, आज जानेंगे, देखेंगे इसके केस को, बॉटल को और इसकी टेस्टिंग को। अगर आप केस पर नजर दौड़ाएं तो वो काफी सुंदर है। जो इन्होंने कॉम्बिनेशन यूज किया है ब्लैक गोल्ड और व्हाइट का, वो काफी अच्छा लग रहा है। और जिस फॉन्ट पे इन्होंने रूलेट लिखा है वो भी काफी आकर्षित करता है आपको बॉटल के केस की तरफ। और उन्होंने आगे क्या लिखा है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि ये एक प्रीमियम विस्की है। वैसे तो पॉल जॉन काफी समय से ऑफिसर चॉइस नामक एक विस्की बना रहे हैं जो बाई वॉल्यूम काफी ज्यादा बिकती है पूरे दुनिया में, और सिंगल मॉल्ट भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। इनकी पहली कोशिश है जब वो प्रीमियम सेगमेंट में कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये नीचे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको जो इस जो विस्की है उसको इन्होंने मैच्योर किया है एक्स बर्बन कास्ट में, और इसके बहुत ही एक्साइटिंग फ्लेवर्स आ रहे हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि इन्होंने और यूज़ किया है ब्लेंड में पीटेड एंड अनपीटेड मॉल्ट्स का और प्रीमियम इंडियन ग्रीन विस्की का। देखते हैं कैसा फील होगा। बता रहे हैं कि रूलेट का फील कैसा आना चाहिए आपको। लिखा है कि यहाँ पर बहुत यूनिक और एडवेंचरस कॉम्प्लेक्स नोट्स मिलेंगे आपको। जो अरोमास हैं बहुत ही फ्रूटी रहेंगे, एक गस्टी स्मोक का आपको एक हिंट मिलेगा, और फाइनली बता रहे हैं जब विस्की ख़त्म होगी तो एक लिंगरिंग क्रीमी सॉल्ट टिंच आपको मिलेगा जो कि काफ़ी रेयर है। देखेंगे इतना सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, यह हमारा पोपट होगा। यहाँ पर रियल एस्टेट का इन्होंने इस्तेमाल ठीक से नहीं किया है, जो यहाँ पर लिखी गई थी बात उसी बात को फिर से यहाँ पर चिपका दिया गया है, कुछ और लिखा जा सकता था। फाइनली पीछे क्या लिखा है इन्होंने, 750 ml की बॉटल है इसके अंदर, ये तो ठीक है। और बता रहे हैं कि कहाँ पर ब्लेंड किया गया है, कहाँ पर बॉटल किया गया है, वो है गोवा में, कनोलिम गोवा में इसको इसी बॉटलिंग हुई है। वैसे तो पॉल जॉन साहब केरल से आते हैं और बैंगलोर में सेटल्ड है, बट उन्होंने अपना जो फैक्ट्री है, जो दुकान है, डिस्टिलरी है, वो लगाई है गोवा में। काफ़ी सुंदर जगह है। और पीछे लिख रहे हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो हम आएंगे जब हम बॉटल के बारे में बात करें तब वहाँ पर बात करेंगे। नीचे ये बताते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका दाम क्या है। ये गोवा से मैंने ली थी, 850 की पड़ती है। अगर आपको बैंगलोर मिलेंगे तो आपको पड़ेगी 1953 की, और काफ़ी जगह और स्टेट्स में भी ये तकरीबन 850 से 1900 के रेंज में आपको मिल रही है। चलिए आगे देखेंगे इसकी बॉटल। सुंदर बॉटल है इसकी, बहुत दिनों बाद मैंने कुछ वेरिएंट देखा है ग्लास की बॉटल का। जन ज़्यादातर जो विस्की मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ही सिंपल सा एक बॉटल टेम्पलेट है उसको यूज़ करते हैं, इन्होंने कुछ दिमाग लगाया है। एक बात मैं तो कहना चाहूँगा रूलेट के बारे में कि मेकर्स ने डेफिनेटली काफ़ी ही रिस्पेक्टेड एफर्ट लगाया है इसके ऊपर, इसकी बॉटल और इसके केस पे, जो कि मुझे पसंद आया है। सुंदर सी बॉटल है, पकड़ने में बहुत बढ़िया। यहाँ पर इन्होंने लिखा क्या है, सामने लिखते हैं कि वही बात जो यहाँ पर चिपकाई थी, ये प्रीमियम विस्की वाली, बहुत बढ़िया सा जो रूलेट का टेबल है वो बनाया हुआ है। और पीछे नथिंग स्पेशल एज इट वाज ऑन द केस। 42.8% ABV है इसका, और इंग्रेडिएंट्स में ये बता रहे हैं कि इसमें है डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रीन न्यूट्रल स्पिरिट, मैच्योर्ड मॉल्ट एंड इट कंटेन्स नेचुरल कलर। इसका मतलब ये है कि क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई भी ऑफिशियल फ्लेवर नहीं डाला गया है इसके अंदर। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं, नोसिंग करते हैं। बॉटल को खोला जाए, बहुत ही आसानी से खुल गई है बॉटल, और थोड़ा सा पोर करेंगे हम इसको। थोड़ा समय देंगे इसको इसका वेपर से निकलने के लिए, अल्कोहल कंटेंट थोड़ा कम हो जाए, वेट करेंगे वेपरेशन के लिए और थोड़ी और बातें। तो इसमें उन्होंने बताया कि ये पीटेड मॉल्ट का यूज़ करते हैं, जो पीट है जनरली स्कॉटलैंड से आता है, पता नहीं क्या इन्होंने स्कॉटलैंड के पीट का यूज़ किया है, कुछ कह नहीं सकते हैं। स्मेल जो है अभी बहुत अच्छे से आ रहा है, बाय द वे इट्स ए वेरी नाइस वुडी स्मेल, एक्स बर्बन का जो स्मेल है बहुत अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा नोस करते हैं,
बहुत ही सुंदर एक मॉल्ट का स्मेल है, वुड का स्मेल है, और जो पीट आ रहा है वो भी बहुत अच्छा है। एक अल्कोहल का विफ है बट इट इज नॉट दैट स्ट्रांग, नोसिंग काफी अच्छी है इसकी। आई लाइक द नोसिंग, फ्रूटी नोट्स डेफिनेटली हैं इसके अंदर और एक स्पाइस भी है। चलिए अब इसकी करेंगे टेस्टिंग और देखेंगे पैलेट पे कैसे महसूस होती है। थोड़ा सा लेंगे, छोटा सा एक सिप। डेफिनेटली जो इसका पीट है वो स्ट्रांग है। बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा, बहुत लोग इसको बोलेंगे कि भाई आर्टिफिशियल लग रहा है, बट अगर इन्होंने नेचुरल पीट यूज किया है तो काफी बढ़िया वो आ रहा है। थोड़ा मोटा सिप। पीट डोमिनेट कर रहा है, एक बिटरनेस भी है। मैं नहीं कहूंगा कि ये काफी बैलेंस्ड है, कॉम्प्लेक्स जरूर है बट उतनी बैलेंस नहीं है। जो इन्होंने सॉल्टीनेस की बात की थी वो आ रहा है, स्पाइसी से इन्होंने लिखे हैं बट स्पाइस भी है। मुंह आपको जो पूरा मुंह है इट इज क्वाइट माउथफुल, और जो इसका फिनिश है वो भी लॉन्ग है। फ्रूट है, ऐसा नहीं कि फ्रूट नहीं है बट इट इज अ बिट ऑन द वीकर साइड। टिंगलिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है मेरे को, मतलब टिंगलिंग कैसे बताएंगे, जैसे शरारत हो रही है मुंह के अंदर। नोसिंग और टेस्टिंग काफी अच्छी लगी मुझे इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। मेरी इससे काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, काफी बढ़िया प्रोडक्ट निकालते हैं ये, और ये मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी अच्छी उतरी है। अब ये किन को पसंद आएगी? अगर आप एक पीट के फैन हैं तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी, और थोड़ा बर्बन का फ्लेवर भी आता है, थोड़ा वनीला सा एक हल्का सा नोट है और स्पाइसीज आते हैं। बट अगर आपको पीट पसंद नहीं है तो आप इसको नकार देंगे, बिल्कुल नकार देंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपको ये पसंद आए तो पहले पीट की समझ लेकर आइए और उसके बाद इसको ट्राई करने की कोशिश करिए, नहीं तो आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। मुझे बहुत अच्छी लगी। डेफिनेटली फॉर दोज हु अंडरस्टैंड विस्की, दिस इज अ गुड प्रीमियम विस्की टू हैव एट होम। मुझे लगता है कि ये आगे के समय में काफ़ी अच्छी होगी, प्रोवाइडेड ये अपनी क्वालिटी अक्रॉस ऑल द स्टेट्स मेंटेन कर सके। और सुनने में आया है कि भी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ में भी लॉन्च हुई है, और जहाँ जहाँ लॉन्च होगी सेम क्वालिटी के हिसाब से ये अपने आप को प्रेजेंट कर सके। गुड लक टू देम एंड चीयर्स टू यू।